फाइनली हमने ले लिया कूलर, अभी कूलर में सोंगी बोल रही है आपसे। तो आज है नैन्सी का बर्थडे। मैकेनिक दिमाग में थोड़ी नाइस मल्टी टैलेंटेड होते हैं बॉयज लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम उठ गए जल्दी, और आज मैंने ना फुल लोअर पहना है क्योंकि आज स्कूल भी जाना है, और अभी कूलर भी लेना है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वाला डायलॉग तो सुना होगा, हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सूरज देवता एकदम क्रोधित हैं, अभी हर जगह पे गर्मी दे रहे हैं। हाँ, तो कूलर लेके आना है आज, तो अभी जाते जाते कूलर देख लेंगे, उसको फिर यहाँ पे फिट करेंगे। चलो, और कल रात में नैन्सी की तबीयत खराब हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो अभी ठीक है। तो चलो गाइस, निकल तो गए घर से, नैन्सी पहले ही चले गई है, नैन्सी को पहले शॉप चल जा, तो अभी हम लोग कूलर देखते देखते जाएंगे। तो कूलर अगर लेना होगा तो ले लेंगे, क्या शाम को जैसे तैसे अतुल भैया को बोले, अगर अतुल भैया ले जाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर जुगाड़ करते हैं कुछ। तो गाइस, कल की रैली आप लोगों ने देखी, कैसा लगा? मजा आया? हमको बहुत मजा आया, लेकिन मैं जा नहीं पाया उसका मुझे खेद है। बाकी ठीक है, अभी कूलर देखे थे तो बहुत महंगा हो गया यार, इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि जैसे इतना महंगा कूलर। तो ठीक है, चलो अभी चलते हैं। जय माता रानी। तो गाइस, फाइनली हमने ले लिया कूलर, चल रहा है ना। हाँ, चल, अभी वाली चेक की है। चलो अब चलते हैं, कूलर तो ले लिए। तो गाइस, कूलर अपना फाइनल हो गया है, तो पैसे ऐसे दे दिए हैं। अब या अतुल भैया फ़ोन करके पूछ लेंगे, जब भी फ्री रहेंगे घर जाते रहेंगे तो यहाँ से ले जाएंगे कार में डाल के। बस कूलर ठंडा करना चाहिए। तो वापस हम दुकान आ गए। नैन्सी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? कल आपने कमेंट पढ़ के आपको तबीयत खराब हो गई, वही वाला कमेंट। बड़ों से तमीज से बात किया करो, है नाक सुकोड़ने से क्या होता है। और इसका कूलर भी फाइनल हो गया है, तो कूलर भी आ जाएगा। कमेंट था ही नहीं, मैं तो देखी। तेरा कूलर भी आ रहा है, इतनी खुशी। लेकिन सामने रूम ज्यादा ठंडा करेगा। हाँ, वो ठंडा हो जाएगा, लोहा वाला बहुत ठंडा करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग भी नीचे से चटाई बिछा के सो जाएगा। नहीं, ठंडा लगेगा तो मैं वहीं सोऊंगी। एसी का बल्कि एसी में ज्यादा भी लाता है। ठीक है, तो अपन जुगाड़ करेंगे। बाकी ठीक है, आ गए हैं दुकान। तो अभी फिलहाल गाइस, अतुल भैया का फोन आया था, तो अतुल भैया को बताना है कि कूलर कहाँ से उठाना है, तो वहाँ चलते हैं, अतुल भैया को कूलर दे देते हैं, और उसके बाद अपन फिर वापस आ जाएंगे। पैर सच में ना, और मैं दवाई भी घर में भूल गया, पैर दर्द कर रहा है, पता है। अभी तक लग रहा था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अब फिर से दर्द चालू हो गया। बाकी चलो, बिना देरी करते हैं, अतुल भैया के पास पहुँचते हैं, कूलर डलवाते हैं, और उनको विदा करते हैं, और हम भी विदा हो जाते हैं। हाँ, धन्यवाद आपका। ठीक है, हाय, ठीक है भैया, अब आप जाओ। फाइनली आज एक दिन का एक काम निपट गया है, और अभी कुछ खाने के लिए नैना बोल रही है कि खाना तो बना नहीं है, लेट हो गए थे आज, तो कहीं होटल वोटल चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। हाय हाय, अतुल भैया काम से आए हुए थे तो मेरा एक काम हो गया। तो गाइस, अभी काफ़ी टाइम हो गया हमको यहाँ बैठे बैठे, 2 बजने वाले हैं, और हम लोग जा रहे हैं जिमने कुछ खाने, उसके बाद जाएंगे घर, घर जाके कूलर फिट करना है। तो बहुत एक्साइटमेंट है इसको, क्योंकि इसको बहुत गर्मी लग रही थी, और ये एसी इसको सूट नहीं करता है, और कुछ टाइम बाद हम लोग भी आ जाएंगे सामने रूम में। मेरे को एसी सूट नहीं करता। एसी तो बोल रही थी, तो तब तो भग गई। और ये देखो, ये भी कूलर में सोंगी बोल रही है आपसे। हाँ, कूलर में ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, एकदम हालात बदल दिए। चलो कुछ खा के आओ। चलो गाइस, निकल तो चुके हैं। चलो यहीं खा लेते हैं।
तो आज है नैन्सी का बर्थडे, सब कोई बताया नहीं था ना, नैन्सी का बर्थडे सरप्राइज हो गया। ये देखो मेरा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो, एनिवर्सरी। सब ये मजाक है, ये एनिवर्सरी के टाइम सजा रहता था, मैं मना लेती। बर्थडे का मनाते एनिवर्सरी के टाइम पे, बर्थडे का मनाते। वाह क्या, ये बर्थडे बर्थडे नहीं है ये, एक्चुअल में डेकोरेशन ऐसे ही रहती है हमेशा। जिसको बर्थडे मनाना है ना आके मना लो। बाकी हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं तो आते हैं तो दिखाते हैं, बाकी भूख लगी है, उसके बाद घर भी जाएंगे। तीन कर दीजिए छोले भटूरे। गाइस हमारा आ चुका है, इन लोग अभी आ गया, इसका बच्चा है, भूख करना। मैं दो चार खा रही हूँ ना इनका, बस खा के बैठ चुकी हूँ। तो फिलहाल गाइस खा के आ गए हैं, फिर काफ़ी देर हो गया, अब नींद आ रही है और मेरे को दवाई भी खानी है। याद आया, मैं अभी जा रहा हूँ घर, घर जाता हूँ मैं। तो गाइस घर जाने के निकल गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अभिषेक से मिलते हुए चल देता हूँ, क्योंकि रात में मैं आऊँगा नहीं, नैन्सी और नैना आ जाएंगे दोनों के दोनों, और मैं स्कूल भी चले जाऊँ सोच रहा हूँ, क्योंकि पैर में उतना लगा है लेकिन दर्द कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं, स्कूल भी चल देंगे, आज सोना कैंसिल कर। भैया जी कल हमको धोखा दे दिए थे और छोड़ कर भाग गए, जिसके वजह से वीडियो नहीं आया उतना, जानते हो अच्छे से। बाकी वीडियो एडिटिंग कंटेंट तो मिल गया, कंटेंट मिलने के बाद भैया खुद गोल मार दिए। मैं बैठा ही था भाई वहाँ पे, तब भी नहीं बोला, तू गाड़ी लेने आया था। फोटो एडिटिंग कर रहे हैं अभी बैठ के, एकदम भाभी को फोटो मिला। हाँ नहीं कर पाया, ठीक है मिल लिए, अब क्या ही बोलेंगे। चलो गाइस मिल लिया अभिषेक से, अब चलते हैं सीधा घर, पहले दवाई खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। अब देखता हूँ ना बाइक वाले के स्पीड में, इतना डर लगता है ना कि आगे कोई फेल ना दे। तो गाइस फिलहाल घर पहुंच चुके हैं और ये लेके आए कूलर को फंसाने के लिए, तो बस शाम को करेंगे ये सब सारा सीन, और कूलर को लगाएंगे यहाँ पे, देखेंगे जैसा भी, क्योंकि सेंटर में ही ठीक रहेगा। बाकी ठीक है, और आज सुबह से वीडियो की शुरुआत हो गई है तो हमने आपसे कुछ पूछा ही नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्ती रहना है फुल ऑन पावर में। ठीक है मिलते हैं इसको से। तो हेलो गाइस, वापस आ गया मैं स्कूल से, और पैर सच में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मतलब एक बार अगर मूवमेंट में आप जिस मूवमेंट में रखे हो ना तो उस मूवमेंट में ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उठाते हो ना फिर से दर्द करता है। बाकी अतुल भैया अभी है नहीं घर में, मैं सोचा कूलर फिट कर लूँगा, तो अतुल भैया का वेट कर रहा हूँ। अतुल भैया आएंगे तो फिर वोलर करेंगे। नैन्सी को फ़ोन लग नहीं रहा है, मेरा भी एक्सरे लाना था मैं भूल गया। ठीक है जैसा भी होता है, नैन्सी आएगी या अतुल भैया पहले आते हैं, तो कूलर को लेता हूँ मैं, उसके बाद कुछ कुछ जो जो काम करने हैं यहाँ तक फंसाने के तो वो काम कर लेते हैं। ठीक है बाकी घर में आ गए, बस अब इंतज़ार कर देगा, अलावा कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल गाइस ये कूलर हमारा आ चुका है और हमने पूरा मेजरमेंट कर लिया है कि यहाँ से थोड़ा सा बीच में रहेगा तो ज़्यादा अच्छी हवा आएगी, तो बस इसको फिट करना है। और झंडा कितना मस्त लहरा रहा है, वाह जाए से। तो चलो इसको फिट करते हैं, फिलहाल तो यहाँ यहाँ छेद करना पड़ेगा क्योंकि इसका एंगल फंसाना, जो एंगल हम लेके आए थे। बाकी मैं स्कूल से आ गया था तो सोया बिल्कुल भी नहीं, तब तक नैना भी आ गई और शॉप खुली की खुली है। ये देखो फिलहाल इतने मेहनत के बाद फाइनली, बहुत दिमाग है इनका। तो क्या वैसी थोड़ी है, नाइस मैकेनिक, दिमाग में थोड़ी नाइस मैकेनिक। तो बस अभी सब चीज हो गया है, पानी भरना है, कूलर का मजा लेना है। लेकिन बहुत कूल करेगा ना, मेरे टाइप का। आप तो छोड़ दो, इनका दिमाग एक ही चीज से ठंडा हो सकता है, ओनली फैंस, बिना प्लग लगे ना। क्या पता ऐसा आप लोग कर सकते हैं, हार्ड वर्क, मल्टी टैलेंटेड होते हैं बॉयज लोग, आई रिस्पेक्ट मैन। ओके अब चालू करके दिखाते हैं, और कनेक्शन हम लोग कुछ यहाँ से देने वाले हैं, बट अभी देखते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा कूलर लग चुका है, कनेक्शन भी दे दिया हमने, अब बढ़िया चीज हो गया पता है। चलो भाई साहब अब ये मेहनत रंग लाएगी, अब यहाँ ऊपर में खड्डे लगाएगी नैन्सी, अब अपना काम खत्म। अपने को फिट करना था तो अपन फिट कर दिए बस, अब जिसको सोना है, जिसको मेवा लेना है वो अब मेहनत कर ले, बाकी ये भी आ गई। तो गाइस फिलहाल यह कूलर लग चुका है और हमने चालू भी कर लिया, मस्त हवा आ रही है। चालू हो गया, लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका पंखा अभी भी टेढ़ा वेढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं ठंडा तो होगा। तो ठीक है गाइस आज का यही
पूरा सीन था, घर में रह के यही सब काम करना था तो हो गया, बाहर का भी टेंशन नहीं, और रूम का बाहर का टेम्परेचर भी कम रहेगा, ठीक है। बाकी ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा करना कुछ नहीं है, प्रेस लाइक प्रेस कमेंट, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में, बाय।